नमस्कार दोस्तों, आपके अपने YouTube चैनल क्रेजी स्टडी में आप सभी का हार्दिक स्वागत है। इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे सेल में आई हुई वैकेंसी के बारे में, जो वैकेंसी ITI और डिप्लोमा कैंडिडेट्स के लिए आई हुई है। तो वीडियो को शुरू से अंत तक देखिएगा, इसमें मैं सारे कुछ बताऊंगा, लास्ट डेट, एजुकेशन क्वालिफिकेशन और जो मिनिमम जो भी रिक्वायरमेंट है वो सारा कुछ हम डिस्कस करेंगे इस वीडियो में। ये जो वैकेंसी है ये बोकारो स्टील प्लांट के लिए आई हुई है, ठीक है। वीडियो स्टार्ट करने से पहले हम आपसे रिक्वेस्ट करते हैं कि चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, साथ ही साथ बेल आइकन को दबाइए। देखिए, ये जो रिक्रूटमेंट है ये आपको सेल के ऑफिशियल वेबसाइट से मिल जाएगा, साथ ही साथ मैं इसका जो लिंक है वो डिस्क्रिप्शन पे दे दूंगा, वहाँ से भी आप डाउनलोड कर सकते हैं। तो देखिए, ये इसका एडवर्टीजमेंट नंबर है BSL R/2019192, ठीक है। ये आपको 29 तारीख को ये रिक्रूटमेंट जारी कर दिया गया था, ठीक है। उसके बाद यहाँ पे आपका कंपनी का टर्नओवर के वगैरह में बारे में बताया गया है, ठीक है। तो ये सब आपको जानने की ज़रूरत नहीं है, मैं आपको डायरेक्ट पॉइंट पे ले जाता हूँ। तो सबसे पहला जो पोस्ट निकल कर आया है, पहले ये बता दूँ, ये आपका सेल बोकारो स्टील प्लांट की तरफ से वैकेंसी है, जो कि डीबीसी और आपका सेल का ज्वाइंट वेंचर है 50-50 का BPSCL, उसमें ये वैकेंसी आई हुई है, ठीक है। तो सबसे पहला जो पोस्ट है वो हमारा पोस्ट है ऑपरेटर कम टेक्नीशियन ट्रेनी का, ठीक है। उसमें 95 नंबर ऑफ पोस्ट का रिक्वायरमेंट है, जो कि बोकारो स्टील प्लांट के लिए है। तो इसमें आपका 4-5 डिपार्टमेंट है, उसमें डिफरेंट नंबर ऑफ पोस्ट के बारे में बताया है। देखिए, जो इलेक्ट्रिकल के 20 पोस्ट है, मैकेनिकल के लिए 25 है, मेटलर्जी के लिए 35 है, केमिकल के लिए 5 है, और सरमैक्स के लिए 5 है, और इंस्ट्रूमेंटेशन के लिए 5 है। तो ये सारे वैकेंसीज हैं। उसके बाद ये आपका ओवरऑल दे दिया गया है कि इसमें UR के लिए कितना सीट है, ST के लिए कितना सीट है, ST के लिए कितना सीट है, तो ये आप देख सकते हैं, ठीक है। टोटल आपका यहाँ 95 सीट्स हैं, ठीक है। इसमें से एक सर्विसमैन के लिए भी 14 सीट रखा गया है। उसके बाद हम बात कर लें सेकेंड पोस्ट के लिए, तो सेकेंड पोस्ट हमारा है ऑपरेटर कम टेक्नीशियन के लिए, बॉयलर अटेंडेंट है, ठीक है। उसमें 10 टोटल वैकेंसी जो है वो आपका 10 वैकेंसीज है। उसमें आपका UR के लिए 6 वैकेंसी रखा गया है। ये जो ये ऑपरेटर कम टेक्नीशियन ये बॉयलर के लिए सिर्फ है, ठीक है। ये मीन्स आपको ये थर्मल प्लांट के लिए रिक्रूटमेंट हो रहा है, ठीक है। वहाँ पे जो थर्मल प्लांट है उसके लिए आपके लिए रिक्रूटमेंट लाया गया है। तो उसमें जो UR के लिए वो 6 नंबर ऑफ सीट्स रखा गया है, उसी तरह SC के लिए 1, ST के लिए 2, OBC के लिए 1, PWD स्टूडेंट के लिए 1 है, एक्स सर्विसमैन के लिए 1 है। टोटल आपका 10 वैकेंसीज हैं, ठीक है। उसके बाद बात कर लें थर्ड पोस्ट के लिए, थर्ड पोस्ट हमारा है अटेंडेंट कम टेक्नीशियन ट्रेनी AITT, ठीक है। इसमें 121 पोस्ट पर वैकेंसी आई हुई है। तो ये सबसे बड़ी ज़्यादा वैकेंसी इसी पोस्ट के लिए आई हुई है। तो इसमें क्या है कि देखिए, UR के लिए रखा गया है 37 पोस्ट, SC के लिए रखा गया है, ये जोड़ लो आठ और पंद्रह है, ठीक है। उसके बाद ST के लिए 8 और 27, ठीक है। उसके बाद हम बात कर लें आपका ओबीसी के लिए 16 सीट है। उस PWD के लिए आपका यहाँ 10-22 सीट रखा गया है, एक्स सर्विसमैन के लिए 17 है, टोटल 121 सीट है यहाँ पे, ठीक है। उसके बाद हम बात कर लें कि जो आपका लास्ट पोस्ट है अटेंडेंट कम टेक्नीशियन ITI के लिए, 49 नंबर ऑफ पोस्ट है। ये आपके स्पेशल रिक्रूटमेंट ड्राइव है फॉर शेड्यूल ट्राइब कैंडिडेट्स ओनली, मतलब ये जो है ये सिर्फ शेड्यूल ट्राइब कैंडिडेट्स के लिए ही ये वैकेंसी है, ठीक है। मतलब ये इस पोस्ट के लिए बस शेड्यूल ट्राइब के कैंडिडेट ही एलिजिबल होंगे, उसके सिवा आप लोग अगर UR OBC में आते हैं या फिर SC में आते हैं तो आप इसमें एलिजिबल नहीं हैं। तो इसमें देखिए, टोटल नंबर ऑफ सीट्स इसमें जो है 49 टोटल सीट है, ठीक है। उसमें आपका डिफरेंट डिफरेंट ब्रांच के लिए अलग अलग सीट रखा गया है, जैसे इलेक्ट्रिशियन के लिए 12 है, मैकेनिस्ट के लिए 8 है, वेल्डर के लिए 7 है, फिटर के लिए 12 है, और रीगर के लिए 10 सीट रखा गया है। तो ये कुछ सा सीट डिस्ट्रीब्यूशन, टोटल नंबर ऑफ सीट्स, ठीक है। अब हम बात कर लेते हैं इसकी एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया के लिए। तो देखिए, पहले मैं आपको एज लिमिट के बारे में बता देता हूँ। तो देखिए, ये एज लिमिट है, ये अपर एज लिमिट आपका दिया गया हुआ है, आपका जो डेट 18/2019 का बेस डेट माना गया, उस डेट से आपका अगर 28 साल होता है
28 साल होता है आपका अटेंडेंट ऑपरेटर कम टेक्नीशियन ट्रेनी के लिए, तो आप एलिजिबल हैं। और एक्सेप्ट ऑपरेटर कम टेक्नीशियन बॉयलर के लिए आपका 30 साल मैक्सिमम रखा गया है, ठीक है। उसके बाकी जितना भी है पोस्ट उसमें आपका 28 ईयर्स का पोस्ट रखा गया है। उसके बाद आपका जो रिलैक्सेशन का मिलता है गवर्नमेंट की तरफ से, जो रिलैक्सेशन मिलता है वो इसमें आपका अप्लाई कर लीजिए। उसके बाद जैसे कि आपको ST के लिए 5 साल, SC के लिए 5 साल, OBC के लिए 3 साल, ठीक है, ये सारा कुछ इसमें आप अप्लाई कर सकते हैं। ये जनरल के लिए रखा गया है, ठीक है। उसके बाद बात कर लें हम एजुकेशन क्वालिफिकेशन की, तो देखिए एजुकेशन क्वालिफिकेशन में आपका ऑपरेटर कम टेक्नीशियन के लिए मेट्रिकुलेशन एंड 3 ईयर्स फुल 3 ईयर्स फुल टाइम डिप्लोमा इन इंजीनियरिंग फ्रॉम गवर्नमेंट। आप मतलब आपका मैट्रिक के साथ साथ अगर आपने डिप्लोमा करके रखा है इलेक्ट्रिकल मैकेनिकल मेटलर्जी केमिकल सर्मिक्स और इंस्ट्रूमेंटेशन में, तो आप इस पोस्ट के लिए एलिजिबल हैं। दूसरा पोस्ट है आपका ऑपरेटर कम टेक्नीशियन बॉयलर के लिए, इसके लिए आपको मेट्रिकुलेशन के साथ साथ 3 ईयर का डिप्लोमा होना चाहिए इंजीनियरिंग और फर्स्ट क्लास बॉयलर का सर्टिफिकेट होना चाहिए। फर्स्ट क्लास बॉयलर सर्टिफिकेट है और आपने डिप्लोमा किया हुआ है तो आप इस पोस्ट के लिए एलिजिबल हैं। तीसरा पोस्ट है आपका अटेंडेंट कम टेक्नीशियन के लिए, तो ये आपका जो है इसके लिए आपका मेट्रिकुलेशन के साथ साथ अगर आपने ITI किया हुआ है NCVT की किसी भी कॉलेज से तो आप इसके लिए एलिजिबल हैं, ठीक है। हाँ, इसमें रखा गया है कि आपका जो ट्रेनिंग किया हो वो आपका इंटीग्रेटेड स्टील प्लांट में ट्रेनिंग किया होना चाहिए। साथ ही साथ अगर आपको जो लास्ट पोर्ट जो ST के लिए एक रखा गया था सिर्फ ST कैंडिडेट्स के लिए अटेंडेंट कम टेक्नीशियन, उसमें आपका मैट्रिक प्लस ITI होना चाहिए किसी भी इंस्टीट्यूट से, कोई इसमें NCVT वगैरह कुछ कंपलसरी नहीं। कोई भी अगर इंस्टीट्यूट से आपने ITI किया हुआ है तो आप एलिजिबल है, अगर आप इलेक्ट्रिशियन मैकेनिस्ट वेल्डर और फिटर रिगर के ट्रेड से हैं तो, ठीक है। तो ये कुछ था आपका एजुकेशन क्वालिफिकेशन के बारे में। अब बात कर लेते हैं फिजिकल स्टैंडर्ड की, तो फिजिकल स्टैंडर्ड में रखा गया है हाइट और वेट पे रखा गया है, तो वो आपका है 150 सेंटीमीटर आपका अगर हाइट है और आप मेल कैंडिडेट्स हैं तो आप एलिजिबल हैं, वहीं आप अगर फीमेल कैंडिडेट हैं तो 143 सेंटीमीटर होना चाहिए। वेट आपका देखा जाए तो 45 किलो मिनिमम होना चाहिए, साथ ही साथ फीमेल के लिए 35 kg होना चाहिए, ठीक है। उसके बाद हम बात कर ले सिलेक्शन प्रोसेस की, तो सिलेक्शन प्रोसेस में सबसे पहले तो आपका इसमें रिटन एग्जामिनेशन होगा, उसी के बेसिस पे आपका सिलेक्शन होगा, ठीक है। तो इसका जो रिटन एग्जामिनेशन होगा उसमें आपका स्किल टेस्ट और ट्रेड टेस्ट दोनों होगा, जो कि इसका रेशियो रहेगा 1:3 का, ठीक है। तो यानी अगर आप स्किल टेस्ट अगर 1 क्वेश्चन आते हैं तो ट्रेड टेस्ट आपके 3 क्वेश्चन रहेंगे। उसके बाद बात कर लें ट्रेनिंग और प्रोबेशन पीरियड का, तो इस सब में आपको एक पहले ट्रेनिंग दिया जाएगा 2 साल का, ठीक है। उसके बाद आपको परमानेंट जॉब करिएगा। पहला बात कर लें हम S1 पोस्ट ऑपरेटर कम टेक्नीशियन के लिए, तो इसमें आपको 2 साल का ट्रेनिंग रहेगा फॉलोड 1 ईयर प्रोबेशन, ठीक है। 2 ईयर का आपका ट्रेनिंग रहेगा, साथ ही साथ 1 साल आप प्रोबेशन पीरियड पे रहेंगे, ठीक है। ये सब जब कंप्लीट आप कर जाओगे तो आप S3 ग्रेड पे मिनिमम बेसिक पे S3 ग्रेड पे आप को पेमेंट होगा, ठीक है। उसी तरह आप देख लें ऑपरेटर कम टेक्नीशियन के लिए, तो आपका 1 साल के लिए आपको प्रोबेशन पीरियड में रखा जाएगा, उसके बाद आप S3 ग्रेड पे के लिए कन्फर्मेशन आपको मिल जाएगा। उसके बाद लास्ट जो है अटेंडेंट कम टेक्नीशियन ट्रेनिंग, उसके लिए आपको S1 ग्रेड के लिए आफ्टर 2 साल का आपका जो हो जाएगा प्रोबेशन पीरियड ट्रेनिंग और प्रोबेशन पीरियड, उसके बाद आपको S1 ग्रेड पे का मिल जाएगा पेमेंट, ठीक है। अब बात कर लेते हैं कि कितना कितना पेमेंट मिलेगा, तो आपको बता दें कि देखिए जब ट्रेनिंग रहेगा तब आपका ऑपरेटर कम टेक्नीशियन में तो 10,700 रुपये मिलेंगे फर्स्ट ईयर में, सेकेंड ईयर में 12,200 रुपये मिलेगा, ठीक है। उसके बाद 2 ईयर कंप्लीट होने के बाद आपका जो पेमेंट हो जाएगा वो आपका 16,800 रुपये से 24,110 रुपये तक जाएगा, ठीक है। उसके बाद हम सेकंड पोस्ट की बात कर लें, तो उसमें भी आपको आपको जब ट्रेनिंग कंप्लीट हो जाएगा उसके बाद आपको जो मिलेगा वो 16,800 रुपये से 24,110 रुपये, इसके साथ साथ आपको HRA वगैरह भी मिलेगा, ठीक है। सेम उसी तरह सेकंड पोस्ट के लिए भी है, 8,600 पहले साल मिलेगा, 10,000 दूसरे साल मिलेगा और लास्ट में आपको 15,830 रुपये से 22,150 रुपये तक मिलेगा। तो बात ये तो थी आपका पे स्लिप पेमेंट की। तो अब बात करते हैं एप्लीकेशन फ़ी की, कितना एप्लीकेशन फ़ी लग रहा है।
तो ऑपरेटर कम टेक्नीशियन ट्रेनी और ऑपरेटर कम टेक्नीशियन बॉयलर दोनों पोस्ट के लिए जनरल और युवा ओबीसी के लिए 250-250 रुपया रखा गया है, और साथ ही साथ जनरल और ओबीसी के लिए अटेंडेंट कम टेक्नीशियन ट्रेनी के लिए 150 रुपया रखा गया है। ठीक है, इसमें ST SC PWD कैंडिडेट्स और डिपार्टमेंटल कैंडिडेट्स को फी नहीं लगेगा। ठीक है, तो अब बात कर लें इसको अप्लाई कैसे करना है। तो इसको अप्लाई करने के लिए आपको ऑनलाइन अप्लाई करना है, सेल के ऑफिशियल वेबसाइट पे sell.co.in पे जाना है, वहाँ से आपको अप्लाई करना है। इसका लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन पे दे दूंगा, वहाँ से भी आप जाके कर सकते हैं। उसके बाद बहुत सारा यहाँ जैसे को वैलिड ID वगैरह सब दिया हुआ, आप इस नोटिफिकेशन को डाउनलोड करके देख लेना, इसका लिंक मैं नोटिफिकेशन पर दे दूंगा। अब बात कर लें कि हम इसका जो फॉर्म अप्लाई करने का जो डेट कब से है, तो वो मैं आपको बता देता हूँ। देखिए, फॉर्म जो अप्लाई होगा आपका वो 29 तारीख से फॉर्म स्टार्ट हो चुका है, देख सकते हैं फॉर्म आपका स्टार्ट हो चुका है। अब क्लोजिंग डेट है वो 18/2/2019 तक रखा गया है। ठीक है, उसके बाद बात कर लें कि हम इसका एग्ज़ाम कब होगा, तो वो सब आपका बाद में अपने वेबसाइट में थ्रू बताया जाएगा। ठीक है, एडमिट कार्ड कब डाउनलोड होगा वो सारा कुछ वो अपने ऑफिशियल वेबसाइट पे बता देगा। तो यही कुछ था इस वीडियो में बताना, ये काफ़ी बड़ी वैकेंसी है, तो आप इसको अप्लाई करो। अगर आपको फॉर्म अप्लाई करने में दिक्कत होता है तो मेरे को कमेंट करके बताना, मैं इसको अप्लाई करने का वीडियो बना दूंगा। ठीक है फ्रेंड्स, थैंक यू, हैव ए नाइस डे।